मुल्क भर में इन दिनों सदियों पुरानी मस्जिद और दरगाहों के नीचे मंदिर तलाशने की एक कवायद चल रही है। आए दिन किसी न किसी मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर लोअर कोर्ट में अर्जी डाली जाती है और कोर्ट भी आनंद फानन में सर्वे का ऑर्डर पास कर देता है, जिसके बाद माहौल कशीदा हो जाता है। यूपी के संभल में 500 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद का तनाजा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दुनिया भर में मशहूर अजमेर दरगाह पर दावे ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। इसीलिए आज ये जानना जरूरी है कि मुल्क में किन किन इबादत गाहों पर हिंदू तंजीमों के जरिए दावा ठोका जा रहा है। आज आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसे दावे किस लिए और क्यों किए जा रहे हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू फरे विशेश्वर महादेव मंदिर बता रहे हैं। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का दावा किया जा रहा है। संभल में शाही मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसी मस्जिद में लोअर कोर्ट के हुक्म के बाद 24 नवंबर को सर्वे के दरमियान हिंसा भड़की थी, जिसमें मुस्लिम समाज के 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अजमेर में 800 साल से ज्यादा पुराने गरीब नवाज दरगाह पर हिंदू सेना का दावा है कि ये संकट मोचन महादेव मंदिर है। दिल्ली के कुतुब मीनार की कुवतुल इस्लाम मस्जिद को विष्णु स्तंभ बताया जा रहा है। आगरा में दुनिया के 7 अजूबों में अपनी पहचान रखने वाले ताजमहल को भी हिंदू फरीक तेजो महल बता रहा है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को सनातन विरासत लक्ष्मण टीला बता रहा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर हिंदू फरीक का दावा है कि ये अटला देवी मंदिर है। एमपी के धार में वाकई कमाल मौला मस्जिद पर संस्कृत पाठशाला का दावा किया जा रहा है। कर्नाटक के श्रीरंगपटना में जामा मस्जिद पर भद्रकाली मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अहमदाबाद की जामा मस्जिद को भी भद्रकाली मंदिर बताया जा रहा है, तो गुजरात के पाटन जिले में वाकई जामा मस्जिद को हिंदू फरीक रुद्र महालय मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। मगरबी बंगाल के मालदा जिले की मशहूर मदीना मस्जिद पर आदिनाथ मंदिर होने का दावा किया जाता है। जून 2022 में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिदायत दी थी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के हल होने के बाद जरूरी नहीं कि हर मस्जिद में मंदिर तलाश किया जाए। मोहन भागवत के इस बयान पर कितना अमल हो रहा है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। अब एक नजर ऐसी मस्जिदों पर जिनके सर्वे का हुक्म कोर्ट ने दिया। संभल की शाही जामा मस्जिद को लोअर कोर्ट ने सर्वे का हुक्म दिया था। सर्वे हो भी गया, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेने से रोक लगा दी है। अजमेर दरगाह पर मंदिर होने के दावे पर लोअर कोर्ट ने मामले से जुड़े 3 फरीक को नोटिस भेजा। भोपाल की कमाल मौला मस्जिद पर हाई कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे का हुक्म दिया था, जिसकी रिपोर्ट एएसआई ने सौंप दी है। मथुरा की शाहीदगाह और कृष्ण जन्मभूमि की भी हाई कोर्ट ने सर्वे का हुक्म दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई। वाराणसी की काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का भी कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे का हुक्म दिया था, जिसकी रिपोर्ट एएसआई ने पिछले साल दिसंबर में पेश कर दी है। आज मुल्क की कई रियासतें, जिलों और शहरों में मस्जिद मंदिर का तनाजा दोबारा से शुरू हो गया, जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। यकीनन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद फैसले के बाद ऐसे मामलों को नई ताकत मिली है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।